हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएड गुरुकुल। मैं सब चंदन सर एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑन ग्रेविटेशन। एंड लास्ट टाइम वी स्टडी अबाउट व्हाट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन स्मॉल जी एंड वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। एंड टुडे वी विल स्टडी सम मोर एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट इज टुडेस टॉपिक? सो टुडेस टॉपिक what mass and weight. The main confusing factor for students, what is mass and weight. So यहाँ पर मैं आपको mass और weight के बारे में जितनी भी detailing information दे सकता हूँ वो दूंगा। So be ready. First of all definition देख लेते हैं। So क्या है mass? Okay. So mass is a measure of object's inertial property. Okay. Whereas weight is a measure of the force exerted on the ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटी। क्लियर? सो ये स्टेटमेंट है कि मास क्या है, मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट इनर्शियल प्रॉपर्टी। जो भी इनर्शिया होता है मास का वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट की। और जबकि वेट क्या है, वेट इज मेजर ऑफ फोर्स, मतलब वेट इज व्हाट, वेट इज फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटी। तो चलिए आप मुझे पिक्चर देख के बताइए यहाँ पर वेट क्या है और फोर्स क्या है। ओके एंड मास, सो अगर आपने अपने हाथ में एप्पल पकड़ रखा है, ओके, एप्पल हैविंग सम मास, ओके, सो वेयर इज द वेट एंड वेयर इज द मास, ओके, सो हियर आई विल क्लियर अबाउट व्हाट। सो अमाउंट ऑफ मैटर, जितना भी मैटर इज एप्पल के अंदर है, ओके, दैट मैटर इज व्हाट मास, दैट मैटर इज व्हाट मास एंड व्हाट इज वेट। ओके, अगर हमें एप्पल का वेट मेजर करना है तो हम एक्चुअली क्या करते हैं? सो एक्चुअली क्या होता है, जो मास है एप्पल का उसको अर्थ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है डाउनवर्ड या टूवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट करता है वो होता है वेट। क्लियर? सो मास हो गया अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वेट, द फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो ये शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई, हम डिटेलिंग में जाने वाले हैं। सो बी रेडी, नेक्स्ट टॉपिक होगा मास। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मास को अच्छे से स्टडी करेंगे कि मास सच में क्या है और इसकी मेन बात है। तो सबसे पहले अबाउट द मास इज व्हाट, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास क्या है, मैंने पहले बताया, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो उसका मास होता है। ओके, क्लियर? नाउ सेकेंड, अब मास एक क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट है किलोग्राम, ओके, केजी शॉर्ट। सो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, जैसे कि लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ओके, वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हैं, सिमिलरली हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, अब ये कौन सी क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? सो अब अगर मुझे एक एप्पल का मास मेजर करना है तो मुझे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, मैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अमेरिका, इंडिया, कहीं पर भी एप्पल का मास मेजर कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जस्ट मुझे क्या चाहिए, उसका मास, जस्ट वैल्यू। सो द वैल्यू इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। क्लियर? Now after the scalar quantity what? अब इसका वैल्यू देखते हैं, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया मास का वैल्यू हर जगह सेम होगा। अब इसको मैं समझा देता हूं, क्या होता है अगर आपके पास 1 kg का एप्पल बड़ा हो जाएगा, बट ठीक है, लेट अज्यूम हमारे पास 1 kg का एप्पल है। ओके, सो अगर 1 kg का एप्पल है तो वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ओके, मार्स पर, यूरेनस, जुपिटर, अर्थ पर, कहीं पर भी, उसका जो अमाउंट ऑफ मैटर क्या चेंज होने वाला है, क्या कहीं से एप्पल कम या ज्यादा होने वाला है, नहीं। ओके, सो इसका मतलब मास चेंज नहीं होता, वो सेम होता है। इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। ओके, मास का वैल्यू हर जगह सेम होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सबने बताया मास एंड वेट। सो आप देख सकते हो अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट का जो भी मास होगा, ओके, देखिए मास 10 kg,
अर्थ भी सेम, मून पर भी मास सेम होगा, जबकि स्पेस, फ्री स्पेस में मास का वैल्यू 10 केजी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ अपने फोर्स से पुल करेगा 10 केजी मास को ही, मून अपनी ग्रेविटी से एक्ट करेगा, और फ्री स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं होगी। बट जो कंटेंट होगा इस ब्लॉक का, जो कंटेंट होगा ना ऑब्जेक्ट का, वो कंटेंट सेम होगा अर्थ यूनिवर्स में कहीं पर भी। ओके, सो ये इसका मीनिंग हो गया, इसका वैल्यू हर जगह सेम होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू द अनदर प्लैनेट। अगर आप अर्थ अर्थ जुपिटर सैटर्न कहीं पर भी चले गए तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे अज्यूम आप एस्ट्रोनॉट हो, तो आप यहाँ पर अर्थ पर रहो या मून पर रहो, आपका मास चेंज नहीं होगा, आप छोटे बड़े नहीं होने वाले, ठीक है, आपका मास कंटेंट सेम होगा। ओके, सो ये इस पॉइंट का मीनिंग था। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन क्या कहते हैं, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनर्शिया। ओके, सो मास का दूसरा मीनिंग होता है इनर्शिया, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ये याद रखो, बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना छोटा मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। ओके, नाउ फाइनल, हायर द मास हायर द इनर्शिया, ये अब समझा चुका मैं। और अब मास को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो उसका नाम है बीम बैलेंस। सो इस बीम बैलेंस से हम मास को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, सो यहाँ पर मैंने मास के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दे दी, इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट, क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर है, यूनिवर्स में हर जगह सेम होता है, हर प्लैनेट पर सेम होता है, और मास का दूसरा नाम है इनर्शिया। मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, और मास डिक्रीज होगा तो इनर्शिया भी डिक्रीज होगा। क्लियर स्टूडेंट, ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मास वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वेट, सो मूविंग टू नेक्स्ट पेज। नाउ व्हाट इज वेट, अब मैं वेट के बिना हर एक छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करूंगा, सो बी रेडी। नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान दो, मैंने स्टेटमेंट तो इधर भी समझा दिया है, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, सो वेट इज नथिंग बट फोर्स, उस फोर्स जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। क्लियर, सो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर एक एप्पल है। ओके, अब एप्पल क्या हो रहा है, नीचे ही गिर रहा है, क्यों नीचे गिर रहा है, नीचे कौन है, नीचे अर्थ है, ऐसा ना, सो कोई फोर्स होगा तो ही हमारा एप्पल डाउनवर्ड फॉल हो रहा है। ओके, और नीचे कौन है, अर्थ है, इसका मतलब वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल आर एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, वेट बीइंग अ फोर्स, वेट एक फोर्स है, इस वजह से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वेट भी फोर्स है तो वेट का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन। ओके, नाउ नेक्स्ट, द वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स को वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, इसका डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड अपवर्ड लेफ्ट या राइट। ओके, सो वो हो गई इसकी डायरेक्शन, इस वजह से फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स वेट है तो वेट भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर, एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट का डायरेक्शन कहाँ होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, आप देख सकते हो ये अपर बार बार गिर रहा है नीचे, तो ये टुवर्ड द सेंटर जा रहा है। ओके, अर्थ के। क्लियर, चलो अभी अपन पे ध्यान मत दो, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। नाउ एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो गाइस, अब ध्यान देख सकते हो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब वेट का वैल्यू चेंज होगा, फोर्स का वैल्यू चेंज होगा, दो इट्स मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, भले ही किसी ऑब्जेक्ट का मास कहीं पर भी कॉन्स्टेंट रहे, बट उसका जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, जैसे कि वहां की ग्रेविटी चेंज होगी,
अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी हमारा वेट चेंज होते जाएगा, ओके, और हमारा मास कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर? सो आप देख सकते हो, आप कहीं पर भी जाओ किसी भी प्लैनेट पर, आपका जो मास है वो कॉन्स्टेंट रहते हुए हर एक प्लैनेट की जो ग्रेविटी पुल है, ओके, ग्रेविटेशन पुल है, उसके चेंज होने की वजह से आपका मास, सॉरी आपका जो वेट होगा वो हर एक प्लैनेट पर डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्लियर? कहना मून पर भी हर जगह। सो एक्चुअली वेट डिपेंड करता है इस पर, ग्रेविटी पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर उस प्लैनेट के। तो जैसे कि एक्सेलरेशन चेंज हुआ किसी प्लैनेट का, हमारा वेट का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। और लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि पोल पर जो भी स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इक्वेटर पर अलग होता है। तो अर्थ पर भी आप जानते हो अलोंग द अर्थ सरफेस डेप्थ में हाइट पर क्या होता है, जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है। इसका मतलब वेट का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा, फ्रैक्शनल चेंज होंगे बट चेंजेस होते रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज व्हाट, वेट कैन बी मेजर यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। मास को किससे मेजर किया था, बीम बैलेंस से। तो वेट को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। अभी दिखता कैसा, ठीक है, तो देखिए स्प्रिंग बैलेंस ऐसा दिखता है, इसके अंदर स्प्रिंग होता है, ठीक है। इसे आपने आपको कोई फोर्स या ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये डाउनवर्ड पुल करेगा ऑब्जेक्ट उसको, ओके। सो उसके अंदर क्या आ गया, यहाँ पर एक मिडल होती है, वो यहाँ पर नंबर शो करती है कितना फोर्स एक्ट हुआ, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना वेट बताती है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, ओके। तो जितना डाउनवर्ड पुल होगा उतना जो स्प्रिंग है ना शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड, और यहाँ पर नंबर्स शो हो जाएंगे। तो उस कैलकुलेशन के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ अटैच किया है उसका वेट कितना है, ओके। सो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्प्रिंग बैलेंस, ये मेजर करता है वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करता है, ओके। सो हम समझ गए हैं कि मास क्या होता है, और अभी हमने जस्ट देख लिया है कि वेट होता क्या है। अब तक हम स्कूलिंग में थे, हमें शायद डाउट था, या हम किसी भी बैलेंस पर खड़े होकर अपना मास या वेट बताने से पहले कंफ्यूज होते थे कि मैं मास बता रहा हूँ या वेट। बट अभी आज के लेक्चर में आप समझ गए होंगे कि मास और वेट में क्या मेन डिफरेंस है, ओके। नाउ और एक चीज दिखा देता हूँ आपको, वेट रिप्रेजेंट बाय डब्ल्यू, ओके, इक्वल्स टू एम जी, ओके। सो क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो वेट भी होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एम इज अ मास, जी इज वॉट, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होगा, ओके। सो वेट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। स्टूडेंट्स इसका वैल्यू चेंज होगा तो हमारे डब्ल्यू का वैल्यू भी चेंज होगा, जबकि हमारा मास कॉन्स्टेंट रहेगा, ओके। सो हमने काफी अच्छे से समझ लिया, एक एक पॉइंट्स मास के और एक एक पॉइंट्स हमने वेट के समझ लिए। चलो शॉर्ट में स्मॉल डिस्टिंग्विश देख लेते हैं, तो छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, चले नेक्स्ट पेज। तो ये रहा आपके सामने डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया, फटाफट चलते हैं, मास क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आर अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने एटम्स हैं, कितने मैटर, कितना मैटर है, ये उस ऑब्जेक्ट का मास होता है, ओके। तो वेट क्या होता है, इट इज अ फोर्स एग्जर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्स्ड मास ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से उस मास पर कितना फोर्स एग्जर्ट होता है वो उसका वेट होता है, ओके। मास का सेकेंड पॉइंट, इट इज कॉन्स्टेंट फॉर बॉडी एंड डज नॉट चेंज विद प्लेस। हाँ, ये चेंज नहीं होता तो ये चेंज होगा। इट इज नॉट कॉन्स्टेंट फॉर अ बॉडी बट इट इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ मास इज व्हाट, मेजर यूजिंग बीम बैलेंस। मैंने लिखा था बीम बैलेंस कैसा होता है, ओके, तराजू जैसा होता है। तो वेट को किसे मेजर करेंगे, मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, ओके। अभी स्प्रिंग बैलेंस हमने जस्ट देखा, सो इंस्ट्रूमेंट देख लिया हमने। अब लास्ट पॉइंट, इट्स SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज किलोग्राम। मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, जबकि वेट हमारा एक फोर्स है तो फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, तो हम लोग वेट को भी न्यूटन में ही मेजर करेंगे। सो इट्स SI यूनिट इज न्यूटन एंड किलोग्राम फोर्स, समटाइम इट इज रिटन किलोग्राम फोर्स, kg, किलोग्राम फोर्स, वेयर 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ओके।
के स्टूडेंट्स केइंग. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट वी विल जंप ऑन सम न्यू एंड डिफरेंट टॉपिक. सो इफ यू क्लियर अबाउट मास एंड वेट सो वी विल मूव ऑन सम न्यू टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द टॉपिक इज व्हाट फ्री फॉल. ओके सो फ्री फॉल क्या होता है? जैसे कि आप नाम में ध्यान दे रहे हो फ्री फॉल, फ्रीली फॉलिंग. ओके फॉल में गिरना, फ्री मतलब बिना किसी डिस्टर्ब के या विदाउट किसी अदर फोर्स के. ओके सो नाम समझ गए हो तो मैं इसका स्टेटमेंट देता हूं. व्हेन एवर ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली. इसका मतलब जब कभी कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा ओके या फॉल डाउन होगा किसके इन्फ्लुएंस में? इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन. सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स में ही गिरेगा तो ही उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉलिंग कहेंगे. ओके या फॉलिंग फ्रीली कहेंगे. जैसे आप इमेज में देख सकते हो यहां पर एक लड़का जस्ट यहां से जंप किया. ओके तो ये फ्रीली फॉल हो रहा है, उसके बाद कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, जस्ट ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिर रहा है, ऐसा ना? तो यहां पर जो भी मोशन है वो क्या है? फ्री फॉल मोशन है. ओके फ्री फॉल. अब यहां पर जो था वो तो जीरो वेलोसिटी थी, जैसे ही उसने जंप किया अब वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड जा रहा है, फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है. इस वजह से ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इन फ्री फॉल. फ्री फॉल में द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो. यहां पर देखिए अगर ये बंदा यहां से जंप किया तो यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या थी? रुका हुआ था यहां पर, तो स्टेशनरी वेलोसिटी थी, जीरो वेलोसिटी थी. उसके बाद उसने वेलोसिटी गेन की. ओके हाँ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अब जैसे यहां पर जीरो वेलोसिटी थी, जैसे वो जंप करेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फास्ट वो नीचे आएगा. ओके जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड पुल का वो क्या होगा? 9.8 होगा अर्थ का. अर्थ हर एक सेकंड में उसको 9.8 मीटर पर सेकंड से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. क्लियर? सो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो वेलोसिटी से गिरेगा उसके बाद उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ती ही जाएगी, और वेलोसिटी का बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन का होना होता है. यस नो? सो गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही हमारा इस बंदे के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा. हाँ कि ना? और वो धड़ाक से इस पानी में गिर जाएगा. ओके सो स्टूडेंट चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट ड्यूरिंग फ्री फॉल. फ्री फॉल के दौरान क्या होगा? द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बायोन फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट. अब ये बंदा अगर यहां से कूदेगा तो आप जानते हो अगर आप ही खुद को फील करो अगर आपने यहां से जंप लगाई तो क्या होगा? आप सीधे नीचे गिरोगे? नहीं, आप पर यहां पर एयर प्रेशर भी आएगा, आपके बाल हवा में उड़ेंगे, ऐसा ना ऊपर की तरफ. हाँ मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आप पर एयर का फोर्स लगेगा अपवर्ड. ओके तो वो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर? यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आप पर एक्ट होगा. एयर है ना आसपास जो दिखाई नहीं देती है, बट उसका फोर्स लगेगा आप पर. ओके क्योंकि अपवर्ड होगा, अब आप डाउनवर्ड जा रहे हो, एयर का फोर्स आप पे अपवर्ड लगेगा. वो जो अपवर्ड फोर्स है वो कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स है. और कौन सा? बॉयन फोर्स. ओके ये भी टाइप का फोर्स है. अगर आप एक तैरता हुआ फोर्स है, हवा में तैर रहे हो या पानी में, तो एक बायोन फोर्स एक्ट होता है आप पर, तो ये फोर्स आप पे लग रहे होते हैं. बट हमने क्या सब सीखा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स एक्ट होना चाहिए, बट गिरते हुए तो आप पर फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है और बायोन फोर्स भी एक्ट हो रहा है. मतलब ये आइडियल फ्री फॉल नहीं है. अगर यहाँ पर हवा नहीं होती, कोई बायोन फोर्स नहीं होता, सिर्फ ग्रेविटी आपको अट्रैक्ट करती, ओके तो ही ये क्या होता? आइडियल फ्री फॉल होता, क्या प्रूफ फ्री फॉल होता. अज्यूम करिए कि अर्थ पर कोई एयर नहीं है, ओके और सिर्फ ग्रेविटी है. ग्रेविटी तो होगी मास की वजह से,
तो अगर आप जस्ट अब जंप कर रहे हो तो आपके ना बाल उड़ेंगे ना कुछ होगा, अब सीधा नीचे जाओगे, ठीक, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, सिर्फ ग्रेविटी नाम का एक फोर्स होगा डाउनवर्ड, तो वो होगा आइडियल फ्री फॉल, क्लियर। सो आइडियल फ्री फॉल सिर्फ स्पेस में एग्जिस्ट है, मतलब वैक्यूम में ही पॉसिबल है जहां पर एयर नहीं है। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, द ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। ओके, सो ये समझ के रखिए, आप समझ में आ गया फ्री फॉल, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और मजेदार। तो अगर आपने फ्री फॉल मोशन को समझ लिया तो हम चलते हैं इसकी इक्वेशन को स्टडी करते हैं। ओके, जैसे हर एक मोशन होता है उसका इक्वेशन होता है, इसके फॉर्मूले होते हैं। ओके, तो फ्री फॉल के भी इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट पेज, इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, तो इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले For a freely falling object, the velocity of reaching the earth and time taken for it can be calculated. अब अगर कोई body, कोई object fall हो रहा है, okay? Assume करते fall हो रहा है, तो हम क्या उसके velocity earth पर आने की, reach होने की और time calculate कर सकते हैं using Newton's equation of motion. अब अगर आपको याद है तो बताइए मुझे कि Newton's के three इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, उसे कैनन इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, सो याद रखिए, चलिए मैं दिखा देता हूं। फर्स्ट है v इक्वल्स टू u प्लस at, एंड सेकेंड था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज व्हाट, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आपने इसे ऐसे याद किया होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, मतलब माइनस u स्क्वायर का यहां लिखा जाएगा, से फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन ट्रू है। सो ये है थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पर v, u, a और t क्या है, आप एक्सप्लेन किया है, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, s है डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। ओके, तो ये समझ में आ गया, आपने नाइन्थ में समझा है, इसे देखा है। अब ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमें इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल चाहिए, तो याद रखिए इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल आएंगे। कैसे मैं बताऊं, अब फॉर अ फ्री फॉल तो इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो होगी, मैंने बताया था जब वो जंप कर रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। ओके, रुका हुआ था बंदा, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, जी स्मॉल जी, हाँ एक्सेलरेशन जो होगा पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर ग्रेविटी का, सिर्फ यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही एक्ट होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगा। ओके, सो दस वी कैन राइट द इक्वेशन एज, अब ये जो तीन इक्वेशन है इसमें जहां जहां यू होगा वहां पर उसका वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे, और जहां भी हमें ए दिखेगा वहां पर हम जी पुट करेंगे, ए इज जनरल एक्सेलरेशन, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कुछ नहीं। तो चलो देखते हैं, पहला v इक्वल्स टू gt कैसे आया, ये क्वेश्चन देखिए, v इक्वल्स टू u प्लस at, अब u का वैल्यू क्या लेना आपको, जीरो, हाँ कि ना, देखिए यहाँ पर रेड पर लिखा है u इक्वल टू जीरो, u इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये यहां से गुम हो गया, क्या बचा v इक्वल्स टू at, बट a के प्लेस पर हमने g पुट कर दिया, सो v इक्वल्स टू gt, क्लियर। नाउ सेकंड वन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो यहाँ पे अगेन u को जीरो पुट किया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ut स्क्वायर गुम, ut गुम हो गया, हाफ at स्क्वायर है तो a के प्लेस पर gt, तो क्या हो गया ये, s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। चलो देखते हैं ये आता है क्या, अरे हाँ ये आया, s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। ओके, सो ये सेकंड फ्री फॉल इक्वेशन है। नाउ थर्ड, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहां पर u स्क्वायर बिकम जीरो स्क्वायर, जीरो हो गया। ओके, a के प्लेस पर हम g पुट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। ओके, चलो देखते हैं, ओके यहां पर तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs आ गया। ये जो तीनों इक्वेशन है ये है हमारे इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। ओके, ये आप याद रखो, ये एकदम हमारे जो ओल्ड इक्वेशन है ना न्यूटन के, उसी से आते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि जो u होता है इनिशियल वेलोसिटी उसे जीरो रखना है और एक्सेलरेशन रखना है व्हाट,
जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपना है। ओके ना, कुछ और छोटी सी बात बता देता हूँ जो कि बहुत बड़े काम आने वाली है, वो ये है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया ओके, तो आप जो भी एक्सेलरेशन लोगे उसको नेगेटिव लोगे। ग्रेविटेशन को क्या लोगे आप? नेगेटिव एक्सेलरेशन। फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड व्हाट एक्सेलरेशन यू विल टेक? माइनस जी। हम लोग एक्सेलरेशन को नेगेटिव ग्रेविटेशन लेंगे। ओके कैसे? देखो अर्थ आपको डाउनवर्ड पुल कर रहा था और आप ऊपर जा रहे हो मूविंग अपवर्ड, तो क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया ना डायरेक्शन। दैट्स व्हाई यू विल टेक माइनस साइन। क्लियर? क्योंकि अर्थ का जो पुल है वो डाउनवर्ड है और आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, जबकि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या है? डाउनवर्ड। इस वजह से हम लोग यहां पर एक्सेलरेशन को नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे। क्लियर? ओके, इसे याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड, अब नेक्स्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड। ओके सो अब अगर अपवर्ड के लिए नेगेटिव था तो डाउनवर्ड के लिए क्या होगा? वेरी गुड, पॉजिटिव। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू प्लस जी लेंगे हम लोग। ओके तो याद रखिए आप लोग, अपवर्ड के लिए माइनस और डाउनवर्ड के लिए प्लस जी हम लोग इस इक्वेशन में या फ्री फॉल की इक्वेशन में या न्यूटन की इक्वेशन में भी ले सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, हम जाने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर का नाम ही है ग्रेविटेशन। सो इस पेज से विदा लेते हैं, अब नया पेज एंटर करते हैं। वो पेज का फर्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है जो कि MGH होता है। ओके मैं यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझाता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट, व्हाट द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन आर स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी स्टोर होती है बिकॉज उसकी पोजिशन और उसकी स्टेट पर, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड से। पोटेंशियल एनर्जी होता है MGH, वेयर m इज व्हाट? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h फॉर हाइट। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस थोड़ा h हाइट पर प्लेस कर दिया या रख दिया, तो उसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी MGH। ओके अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है सिर्फ तब जब आपकी हाइट बहुत कम हो अर्थ के रेडियस से। फिर आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ अर्थ। ओके क्योंकि जहां पर अगर हाइट कम होगी तो आपका जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट होगा, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होंगे, हम उसे कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जी कांस्टेंट होता है और एच हम वेरी करते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी वेरी होती है। मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एच वेरी करता है तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी वेरी करता है। ओके तो ये हमने अब तक समझा था 9th स्टैंडर्ड तक। अब हम जो समझने वाले हैं उसके लिए हमें काफी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिए, दिस एनर्जी रिलेटिव, ओके रिलेटिव मतलब चेंज होती रहेगी एज हाइट चेंज होगी एंड इंक्रीजेस एज वी गो टू द ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके नाउ बट अब अगर आपकी हाइट इंफिनिटी हो गई, मतलब बहुत 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 ज्यादा, इंफिनिटी मतलब ऐसा नंबर जो बहुत ज्यादा वैल्यू कैरी करता है, तो आपका जी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब आप बताइए कैसे? तो मैं बता रहा हूं, आप मेरा अज्यूम कीजिए कि आप अर्थ पे थे। ओके आपने एक ऑब्जेक्ट, आपके हाथ में एक बॉल है, आपने उस बॉल की हाइट थोड़ी इंक्रीज की, थोड़ी और ओके 10,000 1 लाख मतलब किलोमीटर में आपने इंक्रीज करते थे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट का हाइट इंक्रीज होते होते ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला जाएगा। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ेगी, हमने पढ़ा है कि जो जी का वैल्यू है वो तो क्या होता जाएगा? लेस होते जाएगा। जी का वैल्यू हाइट बढ़ा, जी का वैल्यू कम, हाइट और जी का वैल्यू कम। जैसे एच का वैल्यू इंफिनिटी, जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा।
एक ऐसा हाइट आएगा जहां पर मतलब मैक्सिमम हाइट जहां पर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस या नो? ओके, मतलब फॉर कंप्लीटली लार्ज हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लगभग जीरो। ओके, सो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी उस हाइट पर। ये बात समझ में आ गई? फॉर कंप्लीटली लार्ज हाइट पोटेंशियल एनर्जी बिकम नेगेटिव। अब उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अब उससे कम जहां पर आप गए थे वहां पर आपका ग्रेविटी एक्ट नहीं होगी, अर्थ आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा उस मैक्सिमम हाइट, बट उससे थोड़ा कम हाइट पर क्या होगा, हाँ जो जीरो का वैल्यू है वो जीरो से लेस हो जाएगा, मतलब व्हाट, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो एच इंफिनिटी जब रहेगा तो ग्रेविटी जीरो, बट एच से थोड़ा वैल्यू कम लिया हमने तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये सानो समझ पा रहे हो? तो और उस ऑब्जेक्ट को बाउंड कर पाएगा उस पर्टिकुलर हाइट पर, और वो पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे सैटेलाइट्स होती है वो अर्थ से बाउंड होती है, काफी हाइट्स पर होती है बट बाउंड होती है, हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहती है। ओके, सो हम कहते हैं कि सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हमारे अर्थ ने उस सैटेलाइट को बाउंड करके रखा है, उसको एस्केप नहीं किया है, उसको फ्री नहीं कर दिया कि वो हमारा सैटेलाइट हमारे अर्थ से रिवॉल्व होते होते किसी और प्लैनेट में चला जाए, ऐसा नहीं होता। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि उस सैटेलाइट का एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है उस पर्टिकुलर हाइट पर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When an object is at height h from the surface of Earth, its potential energy is, अब जो फॉर्मूला है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है, वो क्या होगा, माइनस व्हाट, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। माइनस एन इंडिकेट करता है फॉर बॉन्डिंग, इसको बाउंड कर रखा हूं। अब यहाँ पर जो कैपिटल जी है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। जो कैपिटल एम है वो मास ऑफ द अर्थ है। ओके, जो स्मॉल एम है वो मास ऑफ कोई ऑब्जेक्ट का हो सकता है जो उस हाइट पर हो, या सैटेलाइट का मास। ओके, नाउ आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड एच वो हाइट, जितनी हाइट पर हमारा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या बाउंडेड है। क्लियर? सो यहां पर मैंने बता दिया मास क्या है, एम एंड आर क्या है, अर्थ का मास और अर्थ के रेडियस, आर फॉर रेडियस। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ओके, मैं एक बार और शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ना डिटेलिंग कैरी करने वाला टॉपिक है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है जब हाइट कम होती है, पर जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी क्या होता जाएगा, जी का वैल्यू कम होता जाएगा। ओके, तो हाइट बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जी का वैल्यू बहुत बहुत कम, मतलब जीरो हो जाएगा। ओके, अगर उस हाइट से थोड़ा लेस हाइट किया हमने ओवर द अर्थ तो क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। उसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, अर्थ के मास पर, ऑब्जेक्ट के मास पर और आर प्लस एच पर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? ओके, नाउ वेयर एम इज आर द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो याद रखो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर कितना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कितना पोटेंशियल है, उसकी लोकेशन या उसकी हाइट की वजह से वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो इतना समझ में आने के बाद हम एक और स्पेशल टॉपिक पर जंप करते हैं क्योंकि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलो चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्केप वेलोसिटी। नाउ स्केप का मीनिंग क्या होता है, स्केप का मीनिंग होता है भाग जाना या निकल जाना या छूट जाना। ओके, स्केप आउट हो जाना। अब कहां से स्केप आउट होना, अब स्केप होने के लिए, भागने के लिए या निकल जाने के लिए आपको वेलोसिटी होनी चाहिए ना, जाने के लिए। हाँ, तो ये स्केप वेलोसिटी है। अब अगर इस नाम का मतलब समझ गए हो तो मैं टॉपिक पे जंप करता हूं। ओके, तो यहां पर डेफिनेशन क्या है, स्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड, ये मिनिमम स्पीड है नीडेड फॉर अ फ्री ऑब्जेक्ट टू स्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ मैसिव बॉडी। एक और बात पीछे चलते हैं, इसके वेलोसिटी मिनिमम स्पीड, ये मिनिमम स्पीड है जरूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को जो कि स्केप होना चाहता है फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ मैसिव बॉडी लाइक अर्थ। मैसिव बॉडी मतलब
वो बॉडी जिसका मास बहुत 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 ज्यादा है, लाइक अर्थ का मास बहुत ज्यादा है 6 × 10⁴ किलोग्राम, ओके, मून का हो गया अदर मास, जुपिटर, ऐसे प्लैनेट्स का जो मास बहुत ज्यादा होता है ना, तो उनको कहते हैं मैसिव बॉडी। और मैसिव बॉडी मतलब जिनका मास ज्यादा उनकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी, ओके। याद रखो जिसके पास मास है ना उसके पास ग्रेविटी तो है ही, ओके। तो हाँ, मैसिव बॉडी दैट इज टू अचीव एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ही, कि उस बॉडी से इनफाइनाइट डिस्टेंस को अचीव करने के लिए जो वेलोसिटी लगेगी उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, ओके। मैं एक और बार इस स्टेटमेंट को तोड़ के बताता हूँ, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है, अगर उस वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी नाम की वेलोसिटी से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, ओके, अर्थ से ही अपवर्ड थ्रो कर दिया, तो ऑब्जेक्ट अर्थ पे वापस कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना फास्टली मूव करेगा, इतना फास्टली मूव करेगा कि अर्थ के जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है ना उससे बाहर निकल जाएगा, ओके। क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, ओके, देखो आपको डायग्राम थ्रू समझाता हूँ, यहाँ पर डायग्राम आने दो। अब ये अर्थ है हमारा, ओके, अब ये अर्थ है तो यहां तक कोई ऑब्जेक्ट वो डाउनवर्ड जाएगा, यहाँ भी डाउनवर्ड, यहाँ भी डाउनवर्ड, ओके। पर एक ऐसा एरिया भी आएगा जहां पर अर्थ किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ओके। सो वो होता है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ओके। सो ओके देखिए, तो इसके वेलोसिटी क्या हो गई, मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ मैसिव बॉडी लाइक अर्थ, दैट इज टू अचीव इनफाइनाइट डिस्टेंस, ताकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाए। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चला गया ना तो वापस नहीं आया, क्यों आएगा, अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ना, हाँ, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, अर्थ के लिए, फॉर अर्थ, अर्थ के लिए हम ये कर सकते हैं, इसके वेलोसिटी इज गिवन एज, सो इसके वेलोसिटी जो फॉर्मूला है वो ये है, वी एस्केप, ई एस सी एस्केप, ओके, इसके वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm अपॉन r, वेयर g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज अ मास ऑफ अर्थ, एंड r इज अ रेडियस ऑफ अर्थ, q m और r अर्थ का, क्यों, क्योंकि हम अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, इस वजह से ये फॉर्मूला आ गया। अब इसके बदले से दूसरा फॉर्मूला है अंडर रूट 2gr, स्मॉल g है 9.8, ओके, और अर्थ का रेडियस, सो ये एक और फॉर्मूला है जो हमें प्रॉब्लम करते वक्त, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए काम आएगी, ओके। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप लर्न रखें। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो वेलोसिटी है इतना ज्यादा है कि ऑब्जेक्ट वापस हट भी नहीं आता, हम तो फेंकते तो वापस से बॉल नीचे आ जाता है और ऊपर फेंकते तो और हाइट से नीचे आता है, तो ये कौन सी वेलोसिटी है या इसका वैल्यू कितना है कि ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, इतना दूर चला जाएगा, तो चलो इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले से मैं वैल्यू निकालने वाला हूँ, टू तो पता है जी का 9.8 पुट करेंगे और अर्थ का रेडियस हम जानते हैं कि 6.4 × 10⁶, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसके वेलोसिटी 2 9.8 6.4 × 10⁶, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, हाँ कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर दूर चला जाएगा, एक सेकेंड में, जस्ट सेकेंड में 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इतना फास्ट वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो ही ये इसके वेलोसिटी अटेंड करना पॉसिबल है। ये नॉर्मली हम लोग नहीं करते, ये अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर स्केप करना होता है हमारे अर्थ से किसी अदर प्लैनेट पर, तो उसके लिए हम इतनी हायर वेलोसिटी हमारे एयरक्राफ्ट को देते हैं या स्पेस में बहुत सारे चीजें होती है उनको देनी पड़ती है, ठीक है, तो ये बहुत हायर है, बहुत बहुत ज्यादा हायर, 11.2 किलोमीटर है ये पर सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ट्रेवल करना बहुत फास्ट हुआ, मतलब आपने सोचा कि एक सेकेंड हुआ और उसने 11 किलोमीटर कवर कर लिया, इतनी हायर वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी, ये आसान नहीं है। तो अगर आपने यहां से वेलोसिटी दी तो फास्ट ऑब्जेक्ट ऊपर 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 उड़ते 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 चला जाएगा तंग दूर, वापस अर्थ पे नहीं आएगा, जिसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ओके। अब देख सकते हैं एक क्लोज सिस्टम है अर्थ का, हाँ, जहां तक अर्थ पर ग्रेविटी एक्ट होती है, ओके। तो ये काफी मजेदार टॉपिक था ना,
सो हमने क्या समझा, हमने आज समझा कि व्हाट इज मास एंड वेट। मास के बारे में डिटेली काफी जमा की हमने, वेट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन समझी, उसके बाद डिफरेंस देखा, उसके बाद हमने फ्री फॉल को स्टडी किया और फ्री फॉल के इक्वेशंस को समझे, और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड फाइनली हमने समझा कि इसके वेलोसिटी होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम और डिटेलिंग में जाएंगे ग्रेविटेशन समझने के लिए, और आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम ना प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ग्रेविटेशन से रिलेटेड। सो आप लोग तैयार रहना, जो भी लेक्चर्स हुए हैं अब तक उनके आप वीडियो देख लेना और बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूले। और फ्रॉम माय हार्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।